दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सोनी के X800H सीरीज के बारे में, जो सोनी ने लाइनअप कर लिए 2020 के लिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और उसी के साथ ही साथ क्या नया लाया है सोनी ने इस बार, सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टन टन लाइन। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी कि जो सोनी की X800H 2020 की जो सीरीज है उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ सोनी ने खास किया है और इसका रीजन मैं वीडियो के एंड में दूंगा। तो स्टार्ट टू एंड वीडियो जरूर देखिए और शुरुआत करते हैं इसके अब डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे X800H जो सीरीज है इसमें आपको 6 मॉडल देखने मिलेंगे। उसमें एक है 43 इंच का, 49 इंच का, 55 इंच और इसी के साथ ही साथ 65, 75 और 85, ये टोटल 6 वेरिएंट आपको दिखने मिलेंगे इसी सीरीज में। और बात करें इन सभी टीवी के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया है इसी टीवी में। बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे इसी टीवी में। इसी के साथ ही साथ आपको इथरनेट का पोर्ट, 3.5mm का जैक देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और जहां तक बात है वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहां पे आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और इसी के साथ ही साथ बात करें ब्लूटूथ के बारे में, तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको देखने मिल जाएगी। लेकिन यहां पे जो ब्लूटूथ दिया गया है 4.2 दिया गया है, आई डोंट नो क्यों उन्होंने लेटेस्ट वाला नहीं दिया जो 5.0 है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इस साल की 2020 वाली टीवी में। और बात करें यहां पे टीवी के कंटेंट शेयरिंग के बारे में, तो यहां पे आपको टीवी में बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा इन सभी टीवी में, सभी वेरिएंट में आपको देखने मिलेगा। इसी के साथ ही साथ आपको Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube सब कुछ प्रॉपर चलने वाला है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इसी टीवी की। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay 2, इसी के साथ Apple HomeKit, Google Home Mini सबका सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। बात करें यहाँ पे टीवी के साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो इंटरनल स्टोरेज आपको 16GB का दिया गया, जिसके थ्रू आप काफी गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और बात करें यहाँ पे HDR कैपेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको टीवी में HDR 10 इसी के साथ HLG प्लस Dolby Vision का सपोर्ट देखने मिल जाएगा इन सभी वेरिएंट में। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे पिक्चर प्रोसेसर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर पिक्चर क्वालिटी को इनहांस करना है। यहाँ पे इस टीवी में सोनी की तरफ से जो X14K HDR प्रोसेसर लगाया गया है इन सभी टीवियों में। और जहां तक बात है कलर रिप्रोडक्शन के बारे में, तो कलर रिप्रोडक्शन के लिए सोनी हमेशा यूज करता है उसका ट्राई ल्यूमिनस, जिसके थ्रू पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे कलर्स और काफी रिच और बोलते हैं ना नेचुरल कलर आपको प्रोड्यूस करते हैं यही टेक्नोलॉजी। और पिक्चर क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए सोनी यूज करता है क्लैरिटी इनहांसर, जिसको वो उसकी टेक्नोलॉजी का नाम देता है एक्स रियलिटी प्रो। इसी के साथ ही साथ आपको इस टीवी में मोशन ब्लर जो होता है वो भी आपको देखने नहीं मिला, क्योंकि यहां पे लगाया गया है मोशन एक्सआर 240 का सपोर्ट, तो जिसके थ्रू आपको जो भी फास्ट या एक्शन सीन्स होते हैं उसमें आपको स्क्रीन ब्लर नहीं होगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इस सीरीज की। और जहां तक बात है इस टीवी के डिजाइन के बारे में, तो टीवी की डिजाइन बहुत ही अच्छी है, एकदम नैरो बेजल्स आपको देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ जो मेजर हाईलाइट है इस टीवी की, यहां पे आपको जो टेबल टॉप स्टैंड है वो आपको मेटल का देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों अब यहां पे सवाल उठता है कि क्या ये टीवी में कुछ डिफरेंस है वेरिएंट वाइज। तो यहां पे जो 43 इंच वाली टीवी है और 49 इंच वाली टीवी है उसमें आपको देखने मिल जाएगा एज LED, और जो बाकी वेरिएंट है मतलब 55 इंच, 65, 75 और 85 वो सारे वेरिएंट में आपको देखने मिलेगा डायरेक्ट LED। तो मेरे हिसाब से यहां पे सोनी ने मतलब ऐसा क्यों किया मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि यहां पे अगर बाकी टीवी में भी डायरेक्ट LED होता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। और जहां तक बात है डायरेक्ट LED और एज LED के डिफरेंस के बारे में, तो एक मैं प्लान कर रहा हूं डेडिकेटेड वीडियो जहां पे मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि उसमें क्या डिफरेंस होता है, और इसी के साथ ही साथ आपको क्यों आपको डायरेक्ट LED कंसीडर करना चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन है एज LED का। यहां पे इन सभी टीवियों के वेरिएंट्स को अगर मैं कंपेयर करूं, तो यहां पे मुझे वही एक डिफरेंस नजर आता जो मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट LED और एज LED का। तो यहां पे एडिशनल कुछ डिफरेंस तो अभी तक फिलहाल सामने नहीं आया। दोस्तों इस टीवी को अगर मैं कंपेयर करूं सोनी की जो 2019 की टीवी थी X8000G, तो मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। इस बार सोनी ने कुछ खास नया तो नहीं है, और ऑब्वियसली अगर आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो और स्पेसिफिकेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है या फिर फीचर वाइज कुछ डिफरेंस नहीं है, तो आप X8000G लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको प्राइसिंग ज्यादा देखने मिलेगी, क्योंकि ये 2020 का मॉडल है। और ऑब्वियसली अगर दोनों साल के टीवी के सीरीज को कंपेयर करोगे तो आपको जो
पिछले साल की टीवी है वो कम प्राइस में मिलेगी और आपके लिए वो बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको नया कुछ देखने नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी तक सोनी ने इसकी जो प्राइस है अभी तक अनाउंस नहीं किया इंडिया में, इसी के साथ साथ जो लॉन्च कब होने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते ये सभी की टीवी की जो लॉन्चिंग है काफी डेट पुश कर दी गई है अगले टू अगले महीने, मतलब मई जून तक जब भी आ सकता है जैसे भी लॉकडाउन खत्म होगा, तो हम सभी को वेट करना है। और इसी के साथ ही साथ आप मुझे बताएं कि आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में, कोई भी सवाल सुझाव राय या जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसी के साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।